करेंगे, हम लोग अति पिछड़ा से आते हैं, हम लोग संघर्ष करके आए हैं। मैडम आपकी नाराजगी किन से है? हमको नाराजगी लेसी सिंह से है, हम बार बार वही बोल रहे हैं, हमको उनसे नाराजगी है किस आधार पर उनको बनाया गया। आरोप जो है, आरोप उन पर जो आरोप लगा था, हत्या का आरोप लगा था, पूर्णिया में धरना प्रदर्शन हुआ, पटना में धरना प्रदर्शन हुआ, विधानसभा में हंगामा हुआ, तेजस्वी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले, कहाँ क्या हुआ? ये जो है सभी जानते हैं पार्टी के लोग, लेकिन जानते हुए फिर भी लेसी सिंह को क्यों जगह दिया गया मंत्रालय में? एकदम पूरा वसूली करवाती है सब जगह, पूर्णिया में सभी अफसर त्रस्त है इनसे, सभी त्रस्त है। जो इसके विरोध में बोलते हैं उसको जो है दबाने का काम करती है, उसको मर्डर करवाने का काम करती है, किसका आवाज़ जो है कि कोई नहीं इसके विरोध में बोले, ऐसा दहशत फैला करके रखने का काम करती है। हम अपने खुद ही इस्तीफा विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे हम। मैडम तो इनका पहले वो एनडीए अलायंस में भी थी, उसमें भी तो मंत्री थी। हाँ तो हमको नहीं दुख था, हमको भी मंत्रालय दिया गया था उस टाइम में, हम भी मंत्रालय में थे, अच्छे से चलाएं, फिर हमरे बाद उसको बनाया, कहाँ हम दुख जाता है, हम कहाँ एक बार विरोध किए कि कहा है उसको मंत्रालय दिया गया। हम तो बहुत खुश थे इस बार जो है इस तरह का आरोप लगाने के बाद उसको मंत्री बनाया है, तब हमको जो है कि दुख हुआ है। ऐसा सब मेरे साथ जो कि मेरे साथ क्या होगा, जनता का साथ कर रहा है, मेरे बेटी का जो है चुनाव हराने का काम किया, वो पार्टी विरोधी बार बार कह रहे पार्टी विरोधी काम करती है, वो पार्टी को नहीं चाहती है कि आगे बढ़ावे। तो क्या ये सारी बात आप मुख्यमंत्री से बात रखेंगे या बात किए हैं? बात किए हैं, मुख्यमंत्री जी को बताने का काम किया, बताने की जरूरत नहीं है मुख्यमंत्री जी को, सभी बात वो जानते हैं। तो क्या बोले मुख्यमंत्री, क्या आश्वासन? कुछ नहीं, क्या बोलेंगे? जदयू से हमको कोई शिकायत नहीं है, हमारी सरकार से कोई शिकायत नहीं है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से बिहार में विकास कर रहे हैं, फिर नई सरकार गठबंधन बना करके बिहार में अच्छे संदेश देने का काम किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रोजगार देने की बात चल रही थी उस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 20 लाख रोजगार देने का बात किया है उस पर हमारे जनता जो उमंग है, खुशी है सभी है। और जो जितने भी हमारे मंत्री नए भी बने हुए हैं और जो पुराने हैं सभी को शुभकामना है, नई सरकार को भी शुभकामना है, लेकिन मेरा एक ही सवाल है और एक ही बात से हमको दुख है कि लेसी सिंह को जो मंत्री बनाया गया है किस आधार पर उनको बनाया गया है, किस सोच करके उनको मंत्रालय दिया गया है? वह जो राजपूत राजपूत चिल्लाते रहती है, राजपूत का जात का नेता है, किस आधार पर उस नेता है? वो बनावट जाति से बिलोंग करती है, बनावट जात कितना है? वह माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि आप जाकर के पूर्णिया में सर्वे करवा लीजिए कि बनावट जात कितना गो है और कितना वोट आपको जदयू में देते हैं हर चुनाव में, चाहे एमपी का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, सभी में सभी पूर्णिया का जितने भी वह जदयू को वोट नहीं करते हैं, अन्य विरोधी दल को वोट करने का काम करते हैं, लोजपा को वोट देने का काम करते हैं, जब उदय सिंह खड़ा होते हैं एमपी में तो उदय सिंह को वोट देने का काम